बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख़ के आईने में खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर पुरेसरार मुकामात की खोज लगाई जाए तो पता चलता है कि ये दुनिया ऐसे कई मुकामात से भरी पड़ी है। बचपन में हमारे बुज़ुर्ग जो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे, वो असल में कहानी नहीं बल्कि सच्चे वाकयात हुआ करते थे, जो आज टेक्नोलॉजी की बदौलत हमें मालूम हो रहे हैं। इसी तरह आज हम अपने दोस्तों को एक पुरेसरार तरीन मुकाम के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मुतमैन नामी मखलूक हकीकत में पाई जाती है, जिस वजह से इस मकाम के आसपास के रहने वाले लोग नहायत खौफ और दहशत का शिकार हैं, और अभी कोई साइंसी तकनीक इनको वहां से निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। और ये मखलूक वहाँ क्यों कर आबाद है, आज की इस वीडियो में हम इस पर गुफ्तगु करेंगे। तो आइए चलते हैं असल मौजू की जानिब। पॉइंट प्लेजेंट। दोस्तों, इस नाम को सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहां सब खुश रहते होंगे और वहां जाने वाले भी इस जगह पहुंचकर बहुत खुशी महसूस करते होंगे। सितम ज़रीफ़ी, मगर ये है कि ऐसा नहीं है। ये शहर रियासत वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में वाक़ है। ये कस्बा भी अपने पुरेसरार और अजीब गरीब दास्तानों की वजह से मशहूर है। इन कहानियों में सबसे ज़्यादा शोहरत इन कहानियों को मिली है जिनमें मुतमैन नामी एक मखलूक का जिक्र आता है। नवंबर 1966 ईस्वी से दिसंबर 1967 ईस्वी तक इस मखलूक ने पूरे इलाके में दहशत फैलाई रखी। पॉइंट प्लेजेंट के 100 से ज़ायद अफराद मुतमैन को देखने के दावेदार हैं। इनके बकौल मुतमैन का कद 7 फिट लंबा था, उसकी छाती चौड़ी और लाल सुर्ख आँखें मकनातीसी कुव्वत रखती थीं। इलावा अजीम इसके 10 फुट लंबे पर भी थे, जो इसके पीछे पीछे ज़मीन पर घसीटते रहते थे। दोस्तों, मुतमैन जो किताबों और फिल्मों का मौजू भी रहा, इसकी कई तवज्जोहात हो सकती हैं। कुछ लोगों के नज़दीक वो की खलाई मखलूक थी, जबकि कुछ के ख्याल में वो इर्तकाई मराहिल से गुजरती हुई कोई नौ थी। अक्सर लोग समझते थे कि वो असल में कोई उल्लू या साहिली बगला नुमा परिंदा था, जिससे पॉइंट प्लेजेंट के लोग खौफ खाते रहे। इसके अलावा पॉइंट प्लेजेंट के लोग भी उड़न तश्तरियाँ देखे जाने और मैन इन ब्लैक के नाम से मासूम इंसान नुमा ऐसी मखलूक के ऐनी शाहिद होने के दावेदार हैं, जो ज़ाहरी वाज़े कुता और आवाज़ के ज़रिए लोगों के औसान ख़ता करने की सलाहियत रखते हैं। इस मखलूक के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो महीरुल अकूल वाक़यात के ऐनी शाहिद होने की शोहरत रखते हों। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की पुरेसरार वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।